और चलिए रुक करें शेड्यूल का, जहां इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सीएम, आपको सुनवाते हैं। प्रकार से लेते हैं, सीता राम राधा कृष्ण, पहले माता का नाम आगे बाद में देवताओं का नाम लेते हैं, तो हम अपने इतने सम्मान के साथ संस्कृति को लेके चलते हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर यह भी बोलना चाहता हूं, हमारे अलावा इस चुनाव में कांग्रेस के मित्र भी है, लेकिन कांग्रेस के निगाह में माता बहनों की इज्जत नहीं होती है, इसलिए उनको कभी वो आईफा अवार्ड कराते हैं, कभी वो महिला को कोई गाली बक्कर के कोई आइटम बताता, पता नहीं क्या क्या बोलते, मुझे तो बोलते ही गंदा लगता। ये हमारी अपनी मातृशक्ति जिनके आधार पर दुनिया में भारत की संस्कृति की जय जयकार होती है। 200 से ज्यादा दुनिया में देश है और 200 से ज्यादा देश इसलिए भारत को भारत माता करके बुलाते हैं। कभी आपने सुना अमेरिका माता, इंग्लैंड माता, रसिया माता, कहीं भी सुना होगा, केवल एकमात्र माता भारत माता की, ये हमारी संस्कृति है। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस के लोग लगातार सनातन संस्कृति, हमारे धर्म, हमारे मान बिंदु, हमारे देवी देवता, इन सबको लज्जित करने का प्रयास करते हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, हमारे अपने प्राइमरी स्कूल में ग से गणेश जी पढ़ाते थे, लेकिन अंग्रेज चले गए, बाद में कांग्रेस ने ग से गणेश जी की जगह ग से गधा पढ़ाना शुरू कराया। ये कांग्रेस की मानसिकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू की, जोरदार तालियां बजाइए, अब ग से गणेश जी पढ़ाइए, ये ग से गणेश जो बोलते हैं उनको घर भेजेंगे। हमारे देवी देवताओं का अपमान करोगे, हमारा अपमान करके तुम किसका मान सम्मान कराओगे? हमारी सरकार ये बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे देवी देवता भगवान कृष्ण, भगवान श्री राम, बोलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हम जिनको हजारों हजार साल से मानते आए, जिनके ऊपर हमको गर्व है, हमारे यहां विदेशी मेहमान आते थे तो विदेशी मेहमान को कोई ताजमहल दिखाने ले जाता, कोई ताजमहल की प्रतिकृति देता था, कोई अजंता एलोरा की टूटी फूटी प्रतिमा देता था। अरे अपने आप देवी देवता कम है क्या? हमारी अपने धर्म ग्रंथ कम है क्या? ये बदलते दौर का भारत है। अब हमको गर्व होता है अमेरिका का राष्ट्रपति आए या इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, कोई भी आए, हमारे पास रामायण है, गीता है, इतने धर्म ग्रंथ है, कोई कम है? जोरदार ताली बजा, नरेंद्र मोदी जी आप गीता भेंट करके हमारी संस्कृति के अपने ज्ञान के कोष को देते हैं। हमारे यहाँ कोई आता विदेशी, उसके मन में तो कल्पना है, उसके मन में तो कामना है, गीता गंगा वो माता भारत माता की जय, ये भाव लेके आता था। लेकिन काल के प्रवाह में हमारे देवस्थल पे उंगली उठाने वाले लोग और तो ये इतनी मोटी चमड़ी के हो गए, कितना दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। भगवान राम जिनके लिए हम जय जयकार करते थकते नहीं है, एक ऐसे महापुरुष जिनने जन्म तो मनुष्य के रूप में लिया, लेकिन एक एक रिश्ता ऐसा निभाया कि 17 लाख साल हो गए भगवान राम को अवतरित हुए, लेकिन आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श भाई, आदर्श पति और आदर्श राजा तो ऐसा कि आज भी कहते कि राज्य हो तो राम राज्य जैसा होना चाहिए। ये हमारे देश की संस्कृति, राम 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 करके तो अपने जीवन का प्रत्येक खराब से खराब समय भी निकाल करके भगवान के माध्यम से जीवन पाते हैं। अनजान आदमी मिले तो राम राम करके सम्मान करते हैं, कहीं अच्छा काम हो जाए तो जय श्री राम करके गगन में गुंजायमान आवाज से अपना सूर्य पराक्रम प्रकट करते हैं। और राम को तो इतना प्रेम करते हैं कि राम जी के नाम पर अगर सोने भी जाए तो कहते आराम करने जा रहा है, आराम करने। भगवान राम के साथ ही दिन की शुरुआत होती है, भगवान राम के साथ ही अगर शरीर छूट जाए तो राम नाम सत्य करके आनंद मनाते हैं। अपने संस्कार इतने अच्छे, बोलो जय जय श्री राम। और ये कांग्रेस और कांग्रेस
नेता भगवान राम के बारे में प्रमाण पूछते हैं। अयोध्या में राम पैदा हुए थे क्या? अब हमको तो मालूम हुए थे, तुमको नहीं मालूम तो तुम समझ लो हुए थे कि नहीं हुए थे। तुम्हारी बुद्धि पे तो पत्थर पड़ गए। अयोध्या में सरयू के किनारे भगवान राम उनके मामले में अड़ंगे लगा, क्या क्या नहीं कहा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट मुकदमे लगातार लटकाते रहे। हमें गर्व है इस बात का, सरकार बनती है तो सरकार का काम है, कोई भी सरकार अगर कोई कोर्ट फैसला दे वो फैसले लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सरकार के लिए गए फैसलों को लागू कराने की जवाबदारी कोर्ट के फैसले को लागू कराने की जवाबदारी भारत सरकार में होती है, और भारत सरकार में अगर कायर आदमी बैठा है, इतिहास गवाह है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, या मुस्लिम भाई बहन भी होंगे, तीन तलाक वाले मामले में 415 की संख्या के साथ दिल्ली के अंदर राजीव गांधी की सरकार थी। तीन तलाक गलत है, बहन बेटी का विवाह हो जाए, एक बच्चा दो बच्चा हो जाए और कोई कारण से पति पत्नी में नहीं बनती है, तो पत्नी को केवल पति तलाक 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 कह दे और तू तेरे और मैं मेरे, ये कैसे हो सकता है? उसका जीवन कहाँ जाएगा, वो बच्चे के साथ कहाँ जाएगी? अरे हमारी संस्कृति तो सात फेरे वाली है, हमारे यहाँ ऐसी छूट नहीं दे सकते। और हमारे यहाँ तो क्या, कई मुस्लिम देशों ने कहा कि ये तीन तलाक गलत, उनने भी गलत माना, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है केवल वोट बैंक के कारण कांग्रेस ने कहा कि तीन तलाक कहते ही अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो हम वोट बैंक के कारण उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लोकसभा में बदल दिया। कितना खराब मामला था, हमें आप इस बात की आनंद है, आपने वोट दिया था, आपके वोट के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री, और उनने कहा हमारे देश के अंदर 35 साल पुराना भी फैसला अगर गलत है तो ये सरकार उस फैसले को लागू कराने का दम रखती है, और उस आधार पर उस पुराने फैसले को भी बदला, और अभी का फैसला हुआ अयोध्या के अंदर सुप्रीम कोर्ट का कि हाँ भगवान राम वहीं पैदा हुए, वही सरयू का किनारा, वही जन्म स्थान, तो धूमधाम के साथ भूमि पूजन भी हुआ और भगवान के गर्भगृह का प्रवेश भी हुआ। बोला जय श्री राम। ये सरकार होना चाहिए, फैसला अगर कोर्ट का